Hey everyone and welcome back to my channel. आज का जो वीडियो है ना थोड़ा अलग है. मतलब आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी पार्लर रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हो या फिर कोई भी ब्यूटी टिप्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं कर रही हूँ. और आज का वीडियो एक तरह का व्लॉग आप कह सकते हो, व्लॉग वीडियो है. और आज मैं आप लोगों को एक्चुअल में पार्लर का टूर करवाऊंगी. मेरा पार्लर एक्चुअल में है कैसा वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी दिखाऊंगी. इन्होंने मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ऐसा देखा है कि वो अपने पार्लर की टूर करवाते हैं, लेकिन तब मेरे पास पार्लर नहीं था. और तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे पास पार्लर नहीं थी. तो मैंने सोचा कि अब मेरा पार्लर हो चुका है. वैसे ये नया पार्लर है, 2-3 महीने ही हुए हैं. और मैंने सोचा कि बहुत सारे वीडियो तो मैंने ऐसे बहुत कुछ वीडियो तो मैंने बना ली है, लेकिन अभी मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो मेरे पार्लर के ऊपर बना. और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं पार्लर में एक्चुअल में है कैसा. ठीक है, तो बस अगर आपको देखना है मेरे पार्लर कैसा है तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए. और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एंड में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. और सब्सक्राइब करने के बाद एक पास में बेल का बटन आता है, उसे भी क्लिक कर देना. ठीक है, अगर उसे क्लिक नहीं करोगे ना तो फिर मेरे जो मैंने वीडियो में पोस्ट करती रहती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी. तो उस बेल के बटन को आपको क्लिक करना है. ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा पार्लर दिखाना. ठीक है, तो ये है मेरे पार्लर का एंटर डोर. ये एक स्क्रीन मैंने लगाया हुआ है क्योंकि मेरे जो मतलब ये जो देख सकते हो ये जो मतलब डोर है ना ये ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, तो यहाँ से जो भी लोग मतलब बाहर से ये अंदर तक दिखता है, इसी वजह से मैं स्क्रीन को हमेशा ऐसे लगा कर रखती हूँ. तो ऐसे हटा देती हूँ, अभी मैं हटा देती हूँ आपको देखने के लिए. अभी यहाँ पे ये जो मतलब ये जो गणेश जी आप देख रहे हो बहुत ही क्यूट है ये, और मुझे खास करके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था. और मेरा भी एक शौक था कि मैं अपने पार्लर में गणेश जी का एक मतलब एक पिक्चर लगाऊं. तो ये बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है, अभी ये अंदर से ये ऐसा ही कुछ दिखता है. अब ये है मेरा तो ये है मेरा एंटर डोर. ठीक है, यहाँ से मेरे जो क्लाइंट है वो यहाँ से अंदर आते हैं. ये एक स्लाइडर ऐसे स्लाइड होता है, ये एक स्लाइडर सिस्टम डोर है. उसके बाद इसे हम अभी लगा देते हैं. ठीक है, मेरा ये दो ये एक मेरा एंटर डोर है. उसके बाद आता ही ये वाला पोर्शन, यहाँ पर मेरा काउंटर है, यहाँ पे दो चेयर है, यहाँ पे मेरे जो क्लाइंट है वो यहाँ पर बैठते हैं. ये काउंटर है, वहाँ पर मैं बैठती हूँ, ये है मेरा टेबल. उसके बाद मेरे जो सर्विस वगैरह है वो सब मैं यहाँ पर अपनी रिकॉर्ड रखती हूँ. ये है सैनिटाइजर, जो कि आपको पता है इन दिनों सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी बिजनेस में हो. उसके बाद कहीं पर भी हो, सिर्फ बिजनेस नहीं कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये है मेरे पेन स्टैंड और ये है मैंने एक प्लांट रखी है यहाँ पे. मुझे इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला प्लांट. उसके बाद ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पार्टीशन किया है स्क्रीन का रेड का. वैसे मैं आपको बता दूं मेरा जो पार्लर है ना सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. और ये मेरे स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने पार्टीशन किया है. जब भी कोई मतलब मेरे जो क्लाइंट है ना उन्हें चेंज वगैरह करना होता है तो यहाँ पे वो चेंज कर लेते हैं. ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे जो पार्लर है वो पूरी तरह से रेड एंड व्हाइट की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. और यहाँ पे आते हैं, अभी मैं ये है तो बस मैं आपको फूल अभी दिखा देती हूँ. ठीक है, ये वाला मेरा पार्लर. ओके, अभी यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या है ना, ये मेरे कटिंग शीट है. ये वाला कटिंग शीट जो है मैं खुद पहनती हूँ जब भी मैं सर्विसेज देती हूँ अपने क्लाइंट को, और ये वाला उन्हें पहनाती हूँ. वैसे और भी एक है लेकिन वो अंदर है. उसके बाद यहाँ पे मैं स्प्रे सैनिटाइजर और कपड़े वपड़े कुछ ऐसे कुछ है. उसके बाद ये मेरे थ्रेडिंग के जो भी सामान लगता है थ्रेडिंग करने के लिए वो सब सामान यहाँ पर है. और ये एक फेशियल किट है काया का, और ये ब्लीच है, और बस ये फेशियल ये नेचुरल्स का है. उसके बाद ये एक लाइट है मैंने रखा है, और कुछ कलरफुल लाइट्स भी मैंने अपने पार्लर पे लगाई है. और ओके, तो ये यहाँ पर एक मिरर मैंने लगाई है और वहाँ पे एक मिरर मैंने लगाया है. तो ये जो ये है पहला
दो मिरर के सामने दो चेयर भी मैंने रखा है, ये पहला वाला चेयर और दो दूसरा। ये चेयर ना बहुत ही बढ़िया, मतलब 3 in 1 चेयर है, ठीक है। इसे अब जब भी मैं हेयर का कोई भी हेयर की सर्विस करती हूँ, मतलब जैसे कि हेयर कट वगैरह होते हैं, तो हेयर कट के लिए मैंने कोई भी चेयर मैंने नहीं रखी है यहाँ पर। तो इसे और इसे, ये मतलब इसे भी हम अलग कर सकते हैं और इसे भी अलग कर सकते हैं। फिर ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट रह जाता है और बचे हुए पार्ट में अपने हेयर के मैं सर्विस करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है एक, यहाँ पे मैंने, हाँ, अपने ये ड्रायर रखी है यहाँ पर, और यहाँ पे वैक्स सीटर है, फॉयल पेपर और स्ट्रिप वगैरह, वॉक्सिंग की जो स्ट्रिप वगैरह वो यहाँ पर है। यहाँ पर एक छोटा सा मिरर मैंने रखा हुआ है, क्योंकि जो क्लाइंट है आईब्रो थ्रेड करने के बाद वो इसी से मैं उन्हें दिखाती हूँ। ये मॉइस्चराइजर है और ब्लीच है, ये रिका का वॉक्स है और यहाँ पे रिका का वॉक्स है। अच्छा, यहाँ मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं और अंदर भी कुछ है। यहाँ पर मैंने, मतलब यहाँ पे कम से कम जितना कम हो सके उतना प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद ये है एक मिरर, यहाँ पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरे जो भी सीजर्स है, सेक्शन क्लिप, यहाँ पे ये सब है। इसके बाद यहाँ पे मेरे कॉटन और जो फेशियल करती हूँ वो बॉल फॉल यहाँ पर है। इसके बाद आयुर्वेदा का फेशियल किट है। यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट लेंस है, जो भी मैं वेयर करती हूँ, कॉन्टैक्ट लेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कॉन्टैक्ट लेंस यहाँ पे मैं यूज रखी है मैंने यहाँ पे। इसके बाद ये भी कुछ कॉन्टैक्ट लेंस है यहाँ पे, ये कॉन्टैक्ट लेंस, तो ये है कॉन्टैक्ट लेंस, सेलिब्रेशन का कॉन्टैक्ट लेंस, और इस कॉन्टैक्ट लेंस के जो कवर है वो यहाँ पर है। ये जो कॉन्टैक्ट लेंस है ये यूज एंड थ्रो है, लेकिन बहुत अच्छा है। और ये है ग्लामिना का सीजर, प्रोफेशनल सीजर है, तो इसका कवर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे रखा है यहाँ पर। और ये है आईलेशेस का, या आईलेशेस का एक पैकेट, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, ये है मेरे कुछ पिक्चर्स जो मैंने लगाए हैं। तो ये वाला जो पिक्चर है ना, ये मैंने न्यू ईयर पे, मैंने ये वाला मेकअप जो किया था मैंने न्यू ईयर पर। और ये कुछ मास्क, पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था ये वाला मेकअप, तो मैंने इसे ट्राई किया था। और बस यही कुछ, ये वाला क्रिसमस मेकअप लुक है। तो बस ये है कुछ मेरे मेकअप के पोस्टर्स। मुझे, मतलब मेरा बहुत ज्यादा शौक था कि मैं अपने पार्लर पे मेरी पोस्टर लगाऊं, मैं अपने मेकअप के बहुत सारे पोस्टर लगाऊं। तो ये जब मेरे पार्लर हुआ था, तो तभी मेरे पापा ने इसे मुझे गिफ्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये है फेशियल स्टीमर, जब भी हम फेशियल करते हैं तो ये वाला स्टीमर यूज करते हैं। उसके बाद ये है हेड स्टीमर, जो हेयर स्पा करते हैं उस वक्त हम ये वाला स्टीमर यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे कुछ टॉवल है, स्ट्रिक्स के हेयर कलर है, और बस यही सब है यहाँ पर। मैट्रिक्स के लॉरियल की स्ट्रेटनिंग क्रीम है, मैट्रिक्स की स्ट्रेटनिंग क्रीम्स, कंडीशनर, ये सब वो सब है। अब यहाँ पर है शैम्पू स्टेशन, ये है मेरे शैम्पू स्टेशन, और यहाँ पे मेरे जो भी हेयर कलर या फिर हेयर स्पा जो भी काम होते हैं, यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट के हेयर वॉश करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बेड रखी हुई है, और इस बेड पे मेरे जो फेशियल, जो भी क्लाइंट आते हैं फेशियल करने के लिए, तो मैं इसी बेड से मेरे क्लाइंट के फेशियल करती हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी मशीन्स रखी हुई हैं, जैसे कि स्ट्रेटिंग मशीन हो गया या फिर कोई अल्ट्रासोनिक मशीन हो गया, वो सब मशीन मैंने यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स रखे हैं, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि अंदर जो है ना बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा है, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी इसे खोलकर अभी। यहाँ पर भी मैंने एक मिरर लगाई है यहाँ पर, ताकि मैं जब भी फेशियल करती हूँ कि वो अपने फेस को देख सके यहाँ से। ये जो बेड है ना, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब यहाँ से आप इसे उठा सकते हो, ठीक है। फिर ये एक तकिया का काम करता है, ठीक है। तो ये वाला ऐसे ही ये बेड है, और यहाँ पर मैं बैठ के फेशियल करती हूँ। तो बस यही है मेरा पार्लर। और मेरा पार्लर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। और आप किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हो। और हाँ, मैंने एक चीज तो आपको बताना ही भूल गई, यहाँ पर मेरा मंदिर है, ये मैं यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, ये मेरे भगवान है। और बस यही है जो भी है, और
यहाँ से भी थोड़ी सी दिखा देती हूँ मेरे काउंटर को। तो बस यही है मेरा पार्लर। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि कमेंट सेक्शन में बता जरूर कि मेरा पार्लर आपको कैसा लगा। सो ये था मेरा छोटा सा पार्लर। आई होप कि आपको मेरा पार्लर और ये वीडियो आपको अच्छा लगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल का आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी ना मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।